लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी वासियों को नमस्कार, राम राम, सलाम। मेरा नाम मुख्तियार सिंह है। ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना मुसलमान, सिर्फ इंसान। बात यही कहूंगा कि इतना अच्छा इंसान भी नहीं कि भगवान, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान। वोट मांगने नहीं आया, वो तो हमें मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा। गांधी जी की बात तो सभी को याद है, जरा क्या क्या हमें भी सुनाओ। बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत, हो रहा है ऐसे? यही उल्टा हो रहा है ना तो बोलो। शांति शांति, शांत शांत हो जाओ। आज का भाषण यहीं समाप्त हुआ, थाने चलो, गिरफ्तार करने आए। किस बात के लिए? गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है, हवालात में काफी टाइम मिलेगा, बता देंगे आराम से। सरकारी काम है, जाकर आ रहे हैं। मुख्तार सिंह, एसपी करण सिंह। अरे करण सिंह, दीनानाथ बोल रहा हूँ। भाई तेरे आदमी ने मुख्तियार को पकड़ लिया है। करनी था, कब तक बचाओगे दीनानाथ? अरे बात सुन मेरी। हेलो, किसी भी हालत में चुनाव जीतना। अरे दयाल साहब, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया गुप्ता जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है। सीएम साहब से मिलने आए हैं? हाँ, वो दरअसल आपको मालूम ही है, अनोखी देवी को गायब हुए कई दिन हो गए हैं, तो सब गाँव वाले मिलना चाहते हैं सीएम साहब से। लेकिन साहब तो घर पे हैं। अच्छा साहब, फोन है। अच्छा गुप्ता जी, मिलते हैं फिर। ओके। हाँ बोल दीनानाथ। अरे यार, मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया है। तो करण सिंह को फोन कर, वो नाटक कर रहा है। मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। कुछ कर यार। एसपी साहब का फोन है। कौन एसपी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और मुख्तार सिंह को क्यों अरेस्ट किया? ये तो मुजरिम है सर, अनोखी देवी का कत्ल किया इसने। क्या बकवास है, अनोखी देवी जिंदा है। चलो छोड़ो इसे। अरे सर, जान जोखिम से मुजरिम को पकड़ते हैं हम, और हर बार छुड़ाने आ जाते हो आप, क्योंकि वो आपका दोस्त है, भाई है, भतीजा है। इसी वक्त यहीं पे सस्पेंड कर दूंगा। आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हैं सर, हाँ ट्रांसफर जरूर करवा सकते। जी तो चाहता है कि इसी वक्त यहीं पर वर्दी उतरवा कर घर भेजूं। एक दिन आएगा सर, हम अपनी वर्दी खुद उतारेंगे या फिर आपकी वर्दी उतरवाएंगे। मुख्तार,
मुख्तियार सिंह को छोड़ दिया? क्यों, कोई इतराज है आपको? सिंह साहब, वो अनोखी देवी का मर्डरर है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत के बेसिस पर ही तो निर्भय और निश्चय ने मुख्तार सिंह को गिरफ्तार किया था। मरवा दिया दोनों को। ताले बात तो मैं आके मुख्तियार सिंह जैसे नेता को पकड़ने की गलती की, नतीजा क्या हुआ? लाइन में ट्रांसफर हो गया दोनों का। हर दिन किसी न किसी का दुखड़ा लेकर आ जाती हो, किसी दिन दूसरों का दुखड़ा सलटाते सलटाते खुद ही सलट जाओ, छोटी सी मशीन है टक कसे बंद हो जाएगी। संभालो भाई, मशीन तो सभी की बंद होनी है किसी न किसी दिन। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जैसों के मरने पे हजारों सैकड़ों लोग कंधा देने आएंगे और आप जैसे बिकाऊ पुलिस वाले की अर्थी उठाने के लिए चार लोग भाड़े पे बुलाने पड़ेंगे। खामोश रहने का क्या लोगे वो बताओ, सौदा करवा देता हूँ। दीनानाथ से कह के ज्यादा से ज्यादा पैसे दिलवा देता हूँ, आधा तुम्हारा आधा मेरा। अफसर कहूं कहूं या दलाल, पुलिस की कुर्सी पे बैठ के पुलिस की वर्दी पहन के एक ईमानदार आदमी को बेईमानी का रास्ता दिखा रहे हो। इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरे अंदर इतना पावर है कि तुझे किसी भी गुनाह में अंदर कर सकता हूँ। तो बुलाइए हवलदार को। आगरा के पागलखाने में एक कमरा खाली हुआ है, कहें तो आपके लिए बुक करा दूं। जब तक अनोखी देवी के केस का पर्दाफाश नहीं होता, ना मैं खुद चैन से बैठूंगा ना आप जैसों को चैन से बैठने दूंगा। दोस्तों, कोई बहादुर इंस्पेक्टर अपनी जान पर खेल के मुख्तियार सिंह जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करता है तो एसपी साहब उसे छुड़ा देते हैं। अगर एसपी पकड़ता है तो राजनेताओं के कहने पर कमिश्नर साहब का फोन आ जाता है। यह है हमारा सिस्टम। चुपचाप अत्याचार सहने की आदत सी पड़ गई है हमें। हम सबको मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अपने अंदर छुपे हुए बारूद को चिंगारी दिखानी होगी। मोदी देवी के केस की गुत्थी अगर सुलझानी है, अगर आप लोग सहमत हैं, तो मेरा यह कहना है कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसका पर्दाफाश ना हो सके अगर सरकार चाहे तो। माननीय मुख्यमंत्री तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अनोखी देवी आपकी बेटी है। 10 दिन से मुख्यमंत्री की बेटी अनोखी देवी लापता है और मुख्यमंत्री खामोश। मैं अपनी बात पे कायम हूँ और फिर दोहराता हूँ, सीएम की बेटी का बलात्कार और सीएम खामोश है। आपको इस तरह से सरेआम पब्लिक में मेरा नाम अनोखी देवी के साथ नहीं उछालना चाहिए। मैं आपका नाम उछाल नहीं रहा हूँ सीएम साहब, मैं आपकी ही कही हुई बात दोहरा रहा हूँ। 5 साल पहले जब आप ऑपोजिशन के लीडर थे और भौमली देवी के बलात्कार से शोरगुल मचा था असेंबली में, तब आपको याद है आपने सीएम साहब से क्या कहा था? सीएम की बेटी का बलात्कार और सीएम खामोश है, आपने कहा था। इस प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है और आपके होते हुए इस मामले की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है, बड़े अफसोस की बात है। जनता की राय है सीएम साहब कि इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी होती है, लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि हमारी पुलिस नाकारा है। फिर भी अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं असेंबली में इस बात की चर्चा करता हूं। शुक्रिया। सीएम घबराया हुआ है, उसे पता लग चुका है कि पार्टी के सारे बड़े नेता हमारे साथ। अरे छोड़ यार, राजेंद्र सिंह राठौड़ का बंसीलाल मीणा को निर्दलीय खड़ा कर देंगे, सीएम अपने आप हार जाएगा। जब हार ही जाएगा तो सीएम क्या बनेगा? राजस्थान की राजनीति में अनोखी देवी को लेकर खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया है कि अनोखी देवी के केस को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। सीबीआई ऑफिसर सत्य प्रकाश मिश्रा इस केस की तहकीकात करेंगे। ये सीएम की साजिश है, उसने जानबूझकर ये केस सीबीआई को सौंपा है।
मीडिया की तरफ से मिश्रा साहब आपका स्वागत है। जो काम पुलिस अब तक नहीं कर पाई, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? अनोखी देवी को ढूंढ पाएंगे आप? देखिए, इस किस्म के केस के लिए पुलिस की जरूरत बहुत जरूरी है। साहब, सुना है साहब आप 60 दिन में रिटायर हो रहे हैं, तो क्या 60 दिन में इस केस को सुलझा पाएंगे? इंसान कुछ करना चाहे तो 60 दिन तो क्या 60 सेकंड्स काफी होते हैं, लेकिन मेरी आप मीडिया वालों से विनती है कि आप इस केस को बढ़ा चढ़ाकर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश ना करें। इसकी वजह से केस बनते बनते बिगड़ सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आए कम इन सर। आइए आइए एसपी करण सिंह जी, बैठिए जी। थैंक यू सर। आप ही की जन्म कुंडली देख रहा था। कैसी लगी सर? पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर राहु की महादशा लगी हुई है। ये रही फाइल। रख दीजिए। अनोखी देवी के केस की सर। कैसी औरत थी अनोखी देवी? बड़ी बच्चलन टाइप की औरत थी सर। अपने लटकों झटकों से लोगों को फंसाने में माहिर थी सर। नाचने गाने वाली नाटकी थी सर। गुमशुदा लोगों की खबरें रोज अखबारों में छपती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इस केस में बड़े राजनेताओं का नाम उछाला जा रहा है, इसलिए केस बड़ा हो गया। ये राजनेता कौन है जी? शर्म आ रही होगी आपको बताने में? नहीं तो? नहीं आ रही होगी। चलिए मैं बता देता हूँ। आपके दोस्त दीनानाथ। अगर ये फाइल सरकारी रिकॉर्ड नहीं होती तो मैंने कब का इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होता। ये फाइल आप जैसे करप्ट ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। नो सर। नहीं, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। नहीं, आपने मुझे ये फाइल गाइड करने के लिए नहीं, मिसगाइड करने के लिए दी है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, चार्ज लगा रहा हूं। दो पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान पर खेलकर मुख्तियार मुजरिम को पकड़ा है। आपने क्या किया? बिना कोई FIR दर्ज किए, बिना कोई केस दर्ज किए अपने मुख्तियार को छुड़वा दिया? नो सर, मुख्तियार एकदम शरीफ है। यस सर। शरीफ तो आप ही लग रहे हैं। आप जा सकते हैं। एक मिनट बैठिए जी। सर, अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा जी, केस में मदद करने के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आप जा सकते हैं। यस सर। मे आई कम इन सर? आइए। थैंक यू। मिश्रा साहब आइए, बैठिए। अनोखी देवी का मैटर बड़ी समझदारी के साथ हैंडल करना होगा आपको। बहुत राजनीति घुस गई इस मामले में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस गुत्थी को जल्द सुलझा देंगे। कोशिश करूंगा सर। अगर आपने इस बात का फैसला किया है कि इस केस का पर्दाफाश होना चाहिए तो जरूर होगा। बस मुझे वो इंस्पेक्टर निर्भय और निश्चय चाहिए जो इस केस की रग रग से वाकिफ है। अनफॉर्चुनेटली SP करण सिंह ने उनका तबादला पुलिस लाइन में करा दिया है। अगर आप SP करण सिंह का तबादला पुलिस लाइन में करवा दें और उन दोनों को मेरे साथ भेज दें, इट विल हेल्प। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू सर। सर, हमको लाइन में लगाते लगाते SP साहब खुद लाइन में लग गए। आपने SP करण सिंह का तबादला करवा दिया, ये जानते हुए भी कि वो हमारा खास आदमी है। आप जानते हैं CBI के अफसर मिश्रा के पास करण सिंह के खिलाफ कितने सबूत हैं? मेरी आपको एक सलाह है कि कुछ दिनों के लिए खामोश रहिए, इसी में आपकी भलाई है। CM साहब, आप जानते हो जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उसका एक पाया मैं भी हूं, और तीन पाए की कुर्सी लंगड़ी हो जाती है। इलेक्शन तो अभी दूर है, आजमा कर देखना है तो अभी देख लो। मुझे आप कुर्सी का रोब न दें, मैं आपकी बुजुर्गी का लिहाज करता हूं। अगर मुझे CM की कुर्सी पर बैठने की आदत है तो अपोजिशन में बैठने का एक्सपीरियंस भी है। तो ठीक है फिर,
अपोजिशन में बैठने की तैयारी कीजिए। चल रही। थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करके हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तुम लोग यहाँ अपनी काबिलियत की वजह से हो। थैंक्स एनीवे। ये मैं अखबार पढ़ रहा था, ये मनोज सिंह कौन है? सर, अनोखी देवी के केस के बारे में पुलिस से भी ज्यादा मनोज सिंह जानता है। सर, एक्चुअली मनोज सिंह की वजह से ही सरकार को मजबूर होके ये केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। तुम लोग मिले उससे? जी सर। जी। शमशेर सिंह के बेटे हैं आप दोनों? जी सर। आपके पिता को बहुत अच्छी तरह जानता था मैं। जी। उन्हीं की तरह मशहूर है आपकी बहादुरी के किस्से। अनोखी देवी का केस आप दोनों ही संभाल रहे हैं ना? उसी सिलसिले में आपके यहाँ आए हैं। सर, आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सर, एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए। हेलो, मैं अनोखी बोल रही हूँ। लगता है मुख्तार मुझे जान से मार देगा अगर मुझे कुछ हो जाए तो। ये तो अनोखी देवी की आवाज है। बट सर, मैं जानता हूँ कि सबूत के तौर पर ये काफी नहीं है, लेकिन मुख्तार सिंह के कारनामों से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अगर किसी तरह से आप लोग उसे गिरफ्तार कर सकें तो सारी बात सामने आ जाएगी। सर, हमने मुख्तियार सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन एसपी करण सिंह ने नेताओं के कहने पर बिना रिपोर्ट फाइल किया छोड़ दिया उसे। आज के बाद कोई रुकावट नहीं आएगी तुम दोनों के रास्ते में। दीनानाथ जेल से नहीं डरता। जेल में आदमी जाते हैं, भेड़ बकरियां थोड़ी जाती हैं। जिस दिन मुझे जेल भिजवाएगा ना, उस दिन पूरे प्रदेश की हर जेल छोटी पड़ जाएगी। 50 लाख लोग हैं मेरे पीछे, जेल भिजवाएगा। सर, जिस नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे, ये रहा, बनाराम का नंबर ही है। ठीक है, तुम जाओ। सर, बनाराम? बनाराम तो सर अनोखी देवी का राइट हैंड है। पता करो कहाँ ये। जी सर। बोल, सीढ़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सीढ़ी कहाँ है। बोल, कहाँ रखी है? मैंने क्यों मार रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बोल, मैं ये देख रहा पानी साले अंदर फेंकवा दूंगा, इतने मगरमच्छ हैं, बोटी बोटी खा जाएंगे तेरी। मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मालूम सीढ़ी कहाँ है। नहीं मालूम? नहीं मालूम सीढ़ी। ए शर्मा, इधर बोलवा साले से, उधर दे चमड़ी। मच्छरों को मारने की आदत नहीं हमारी, हमेशा शेरों का शिकार किया है। हमारी आदत ना खराब कर, बता दे सीढ़ी कहाँ है। मैंने नहीं मालूम सीढ़ी, नहीं हमारे पास। नहीं मालूम? नहीं, नहीं। तो किसको मालूम? अनोखी देवी के पास। अनोखी देवी के पास? हाँ। छोड़े। जी भाई साहब। पहुंचा दे इसे अनोखी देवी के पास। चल चल यार, चल आराम से। थारे को सीट चाहिए, आओ हमारे साथ। चल आ जा, चल चल। अरे रोक लो भैया, रोक लो, रोक लो भैया, बहुत तेज आ रही है। अरे कौन आ रही है? अरे बड़ी तेज आ रही है, नहीं तो गाड़ी में ही हो जाएगी। मुतेगा तू? जा कर क्या, चल उतर, जा मुत ले वहां। हाँ जल्दी आना रे। भाई जी, वो भाग जो। हे बनाराम, बनाराम, ओ बनाराम रुक, बनाराम रुक। भाग गया भाई जी, लगता है भाग गया। नमस्कार जी। नमस्कार। बनाराम का घर यही है? जी हाँ यही है। है बनाराम घर पे? जी नहीं है, पिछले कई दिनों से भैया घर पर नहीं आए। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ पैसे उधार लिए थे, उनसे वापस करने थे। कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगा। जी जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अंदर देख कर आती हूँ। जी। भाई भाई, काय हुई हो रानू? तने कोई बारे पीछा दे उड़ायो है। थारे को कितनी बार बोला, कोई भी मारे बारे में पूछे तो बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। पर भाई वो पीछा को के? अरे और... पैसा के भाड़ में तू बोल दे मैं पीछे के दरवाजे चला गया। तू अरे भाई सुन तो। घड़ी खम्मा भाग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ भाग रहा था। हुकम, आप यहाँ?
लेने आया हूँ आपको। आप इतने इतने बड़े अफसर, फोन कर देते, मैं खुद ही चला आता, आपको यहाँ आने क्या जरूरत थी? अच्छा, खुद ही चले आते हैं? अनोखी को कहाँ छुपाया है? जिंदा है या मार दिया? क्या कह रहे हैं हुकुम? वही कह रहा हूँ जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। कहाँ छुपाया अनोखी को? हुकुम, अनोखी देवी को ढूंढ ढूंढ के मारो हाल बेहाल हो गया। मैं उसकी याद में रो रो के मारी आंखों की रोशनी चली गई, मन ने आधा सीसी हो गई। हुकुम, आप हमारी अनोखी देवी को ढूंढ के निकालो, वरना यही सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। जान तुम अपनी खुद लोगे या हम लेंगे, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। ये तुम्हारा ही दिमाग था जिसने गांव की गलियों में और बाजारों में नाचने वाली अनोखी को पावर के कॉरिडोर में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसके गायब होते ही राजधानी से लेकर हल्दी घाटी तक एक हाहाकार मच गई। इसलिए तुम्हें जो पता है वो सच बता दो, वरना सच छुपाने के जुर्म में मुझे तुम पर एक सरकारी गोली खर्च करनी पड़ेगी। तुम्हें से लास्ट टाइम किसने मारा था? चल तू मार दे। चलो मार दो इसको। मार दो सा, हुकुम मारा तो सारा झंझट ही खत्म कर दो। इधर जाता हूँ तो पूछते हैं अनोखी देवी कहाँ है, उधर जाता हूँ तो पूछते हैं अनोखी देवी कहाँ है। इधर मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अनोखी देवी, अनोखी देवी, पूरी जिंदगी हमारी नरक बन गई है। मालूम नहीं ना अनोखी देवी कहाँ है? नहीं मालूम है साहब जी। तो जितना मालूम है उतना सर को बता दे। चुप हो, चल आ जा भाई, आ जा। चल बता दे सर। हुकुम, अनोखी देवी को मैं
अमिया के बीच में छुपा ले। एक अद्भुत विचार आया है मन में। अगर अनोखी देवी हमारे साथ मिल जाए तो गुरु उसका घाघरा कमासान मचा देगा। घाघरा? हाँ, या घाघरा वाली। अरे समझदार हो भाई। अरे देखो, सच बताएं तो हमारा आ गया उस पे दिल। तू जानता है ना उसको? हैं? अरे तेरे को तो घर भी मालूम है साले। भैया हमें घर भी पता है, मोहल्ला भी पता है, नाम, कुल, गोत्र, जन्म कुंडली सब। बस ना, खतरनाक है, वहां नहीं जाएंगे। अरे यार, हम कला और कलाकार के पुजारी हैं भाई। बंद करो यार ये भाषण। कला और कलाकार के पुजारी हैं। लाल बत्ती लगी है गाड़ी पे? लगी है? हाँ लगी है। लाल बत्ती जब पों पों करते हुए अनोखी देवी के मोहल्ले में जाएगी, हंगामा हो जाएगा, खड़े खड़े बदनाम हो जाओगे प्रदेश में। इलेक्शन है। अरे लाल बत्ती पे कपड़ा बांध देंगे यार, रात के अंधेरे में कौन देखता है। दीनों के नाथ, दीना नाथ, एक बात सुन लो, नंगा आदमी और ढकी हुई लाल बत्ती, इनकी इज्जत नहीं होती। झंझट में मत पड़िए, मौत का कुआं है अनोखी देवी। मुझे गिरना है कुएं में। पहाड़ की चोटी से गिर के बच सकते हैं आप, लेकिन घाघरे की चपेट में आके बचना मुश्किल है। अरे चुनाव के बाद भाई। चुनाव के बाद क्या? अरे चुनाव में तो हमको जरूरत है भैया उसकी। ठीक है, कल घड़ी कम। घड़ी कम हुकुम। बनाराम आओ, बनाराम जी हुकुम आओ। अच्छा, अरे ऊपर बैठो इधर। अरे नहीं ठीक है। अरे उधर नहीं, इधर बैठो गद्दे पे। हुकुम दरबार। अच्छा तो आप हैं अनोखी देवी के अंगरक्षक? हुकम भाई, क्या नगीना तराशा है तुमने। अरे हमारी अंगूठी में जड़वा दो, तेरा जीवन संवार देंगे। ये हंस क्यों रहा है? आदत। ये किसी के चौथे पे जाए ना तो ये हंसते हुए रोए। कम गड़ी कम बात। साहब ने कल कार्यक्रम देखा, जानते हो साहब? जी जी, हाँ कल ही तो मिले थे प्रोग्राम में। दीनानाथ जी जैसे लोग, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के एकमात्र नेता, जी जी, इतने प्रभावित हैं अनोखी देवी की कला से, तो जवान छोरों की क्या हालत होती होगी? अरे हजूर, हर रोज एक जवान छोरा बेहोश होके अस्पताल जावे है मैडम की खातिर। सही कह रहा है, मर जाओगे। अरे तो जीना किसको है, मरना तो है, खा पी के मरो। अनोखी देवी को लिया जी। हुकम। आ जाएगी? आ जाएगी। कल एमएलए बनेगी, परसों मिनिस्टर बनेगी, और सेक्रेटरी रहेगा तू। अरे बगैर लगाम की घोड़ी है, किसी के काबू में ना आने वाली सर जी। अरे तो हमने भी देसी घी खाया है, पूरे शरीर में समा गया है। अरे घड़ी खम्बा हुजूर, मैं जाऊं? अरे सुनो भाई सेक्रेटरी। जी हुकुम। इसको डब्बा दे दो मिठाई का, छोटा या बड़ा हुकुम? अभी छोटा दे। देर जी। फिर बाद में बड़ा, और परसों और बड़ा। अनोखी देवी पे बहुत फिदा हो गए हैं तरजी। लाएगा ना? पकड़ लिया। क्यों बकवास कर रहा है, मैं कोनी मिलूं? थारे ठुमकों से तो बाबड़ो हो गए दीनानाथ जी। फ्यूज बल्ब में रोशनी डाल दी तन्ने। अच्छो भड़ो नेता मजड़ू बन के घूम रहे हुए। अगर राजनीति में एंट्री करनी है तो आप पहली सीट। इसे पकड़ के तू इतनी बुलंदी तक पहुंच सकती है, वहां पहुंच के दुनिया की सारी चीजें तन्ने छोटी छोटी लागे।
ये बड़ी गाड़ी, पूरे पब्लिक लोग, बड़े बड़े लोग थारे देखने के लिए जो सर उठे, तो माथे की बड़ी बड़ी इज्जत वाली पगड़ियां थारे कदमों में गिर जाए। हाँ, क्या बोलती? अरे राम राम, राम राम। अरे आइए शर्मा जी, क्या हाल है? मैडम से मिले? पहला को मैडम, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, राजनीति में ऐसा ही होता है, वहाँ बे बजाय किसी न किसी के कोई न कोई पैर पड़ता ही रहता है। अब ये देख देख के इनको भी आदत हो गई है, आदत क्या खून में ही घुल गई है। आप तो घर जावे तो पहले लुगाई के भी पैर पड़े हैं क्यों शर्मा जी? कैसे आना हुआ? साहब ने मैडम के लिए नई गाड़ी भेजी है और ये कहा है कि मैडम को इसी गाड़ी में बिठा कर लाना। क्या क्या? लो बात कर लो। कर लो बात। जयराम जी की, नेताजी। जयराम जी की। नेताजी ये गाड़ी, ये सारे तोहफे, मेरी आदत को नहीं तोहफे लेने की। अरे मैडम ये तो छोटी सी शुरुआत है। मैं नहीं ले सकती जी। आप हमें अपना ही समझो, आप यहाँ ये बैठ के बातचीत करते हैं, आप तो बस गाड़ी में विराजमान हो जाओ और पहुंच जाओ। अच्छा खासा बनियान पहन के लेटा हुआ था तुमने तो, सजा के बैठा दिया इधर, आधा घंटा हो गया, कब आएगी वो? दिनों के ना दीना ना। घड़ी कम। अरे आइए आजा आजा। दीनानाथ जी नमस्कार। जयराम जी की प्रणाम। पधारिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कुछ चाय ठंडा? धन्यवाद। आप मिले हैं ना? हाँ थे ना प्रोग्राम में आप। बहुत आनंद आया, बता नहीं सकता, अद्भुत शो था। क्या भीड़ थी, हम लोग पोस्टर लगा लगा के, नारे लगा लगा के परेशान हो जाते हैं तब भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। और भीड़ कैसी भीड़, व्याकुल हो रहे थे सब। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए। आप जैसी शख्सियत अगर विधानसभा में हो, मैं कहता हूं एक MLA भी एब्सेंट नहीं होगा, चाहे बारिश हो, चाहे बीमार हो, कुछ हो, विधानसभा का सेशन नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दीनानाथ। नमस्कार गुप्ता जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, आइए बैठिए। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं ना आप? आप तो मशहूर नर्तकी हैं। नर्तकी तो खैर नहीं, कलाकार हैं, लेकिन देखिए गुप्ता जी जैसे जो कि धार्मिक इंसान हैं, उन्हें भी पता है कि आप कौन हैं, इन्होंने भी नाम सुना है आपका। कैसे आना हुआ गुप्ता जी? ब्यावर में एक स्कूल है, उसका उद्घाटन आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। बस इन हाथों से? अरे छोड़िए गुप्ता जी, उधर देखिए प्रभु ने क्या प्रेम से बनाया इनको, एक हफ्ता लगा दिया होगा बनाने में और हमको आधे घंटे में बना के फेंक दिया। देखिए नाक ऊपर से छेद कर दिए। इनसे करवाइए। पर दीनानाथ जी, पब्लिक बुलाने की जरूरत नहीं, नाम अनाउंस कीजिए, अनोखी देवी जी स्कूल का उद्घाटन करेंगी, माँ बच्चे दादा दादी सब हाजिर हो जाएंगे। इतना बड़ा काम में? ये बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, ये तो आपको जाना है, फीता काटना है, लक्ष्मी जी का लिफाफा लेना है, बस। अरे बनाराम तैयारी। अच्छा, कर दीनानाथ जी ठीक है जी, मैं चलता हूं। ठीक है, नमस्कार। बाकी वो लिफाफे का इंतजाम आप कर दीजिएगा। ठीक है जी। जवानों से प्यार और बुजुर्गों से आशीर्वाद। आपसे आशीर्वाद चाहिए अनोखी देवी? अरे तुझसे चाहिए, तू भाई बना फिरता है ना उसका। सुन सुन उसको। भाई और बहनों, आंसुओं से कह दो, आंसुओं से कह दो, अब आंखों से बहना छोड़ दें। इन लबों से कह दो, अब खामोश रहना छोड़ दें। अपनी चिंगारी की लौ को जलाओ दोस्तों, अपनी चिंगारी की लौ को जलाओ दोस्तों, दिल में जो बारूद है उसे जलाओ दोस्तों। आपका भविष्य खतरे में पड़ गया, सारे नारे अनोखी देवी के लिए लग रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, जितनी अनोखी देवी बड़ी बनेंगी उतना हमारा कद बढ़ेगा। भाई और बहनों, आज मुझसे स्कूल का उद्घाटन दीनानाथ जी ने करवाया है,
मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीनानाथ जी तो खुद एक बहुत बड़े नेता हैं। वो खुद ही स्कूल का उद्घाटन कर सकते थे, पर न जाने क्यों उन्होंने इस मामूली सी कलाकार को इज्जत बख्शी है। वाह। मैं दीनानाथ जी का दिल से स्वागत करती हूँ। गले लगी। दोस्तों, आप सब ये जानते ही हैं कि अनोखी देवी आपके दिलों में छाई हुई हैं, लेकिन आज इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया है और ये हमारी पार्टी में चार चांद लगाएंगी। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कला और राजनीति का अनोखा संगम। अब एक बात देखी तन्ने, पब्लिक दीवानी थी और मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं दीनानाथ तेरी बाबाई देख के खुद ही डर जाए और बोले, मैडम जी तुम्हारा राजनीति में आना ठीक नहीं है। शैतान का नाम लिया शैतान। आज गड़ी कम्मा हुजूर पधारो। कमानी कमानी। अरे वाह 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 नौकी जी, आज आपका भाषण सुनकर वो बोलते थे, भाइयों और बहनों, जनता में सन्नाटा, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। आपने आज जो भाषण दिया है, मजा आ गया। मान गया नौकी देवी जी, आपको मान गए। गाड़ी गियर में आ गई। आपके रोम रोम में करिश्मा है। मैं चाहता हूं कि आप ये किराए के कमरे को छोड़ के आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाइए। मैं करवाऊंगा, मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर औरत बनाना चाहता हूं। मैं आपको MLA बनाऊंगा, मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, मैं आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी दूंगा, आगे पीछे आपके अंगरक्षक होंगे हथियारों से लैस। जब आप अपने दफ्तर से निवास स्थान की तरफ जाएंगी तो सबसे आगे पुलिस की सायरन वाली गाड़ी, पीछे आपकी गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां, और जब तक आप अपने घर में प्रवेश नहीं करती पूरा शहर ठप, ट्रैफिक जैम। नाउ बॉडी मूव। थाने यकीन है मैं राजनीति में कामयाब हो जाऊंगी। भाई आपके पीछे दीनानाथ है ना, वो दीनानाथ नहीं ये दीनानाथ। कैसा लगा बंगला, कैसा लगा, पसंद नहीं आया? चल दूसरा खुलवा देता हूं। क्या ये क्या घूर रही है? इतना बड़ा घर। अरे भाई बड़े लोगों की बड़ी पसंद। मैं चाहता हूं तू महारानी की तरह रहे, जितना तू खुश रहेगी उतना मुझे खुश रखेगी, है ना? क्या बोला राम जी? घड़ी खम्मा हुजूर। नया जूता मिल जाए तो पुराना जूता फेंक देते हैं, समझी? चाहे कितना भी महंगा हो। मैं सोचता हूँ जितनी पावर दयाल के पास है वो सारी पावर तुम्हें ट्रांसफर कर दूँ। तुम्हें मुझे वो सब गुण नजर आते हैं जो एक अच्छे नेता में होते हैं। मेड़ता की सीट से तुम्हें MLA के लिए खड़ा कर दूंगा। तेरा अपना इलाका है, चल पूजा शुरू। अरे इधर रख पैर। के करो नेता जी, मारे पगा पे किसी ने नेल पॉलिश लगा होता तुमको देख लिया फिर
अच्छा, अब हम आप से तुम हो गए। प्यार में ऐसा ही होता है नेताजी। अरे फोन मत उठा यार। क्या हो गया? ये बात ये बात। हेलो, कहाँ है तू? अरे यार मैं पारिवारिक काम में व्यस्त हूँ। तेरा पारिवारिक काम मैं जानता हूँ। प्रदेश की प्लानिंग करनी है, सीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, टिकटों का डिसीजन लेना है। इमेज बननी चाहिए इस सड़क को, सब माताएं बहनें प्रभावित होंगी। कैसी लग रही है मेरी महारानी? कोई मौका नहीं छोड़ते नेताजी। बस ऊपरा 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 पोजीशन बना लो। बस हो गया, नाइस, वेल डन। ए सुनो शर्मा जी। जी हुकुम। एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे शहर में ये होर्डिंग लग जाने चाहिए, बड़े बड़े लग जाएंगे जी। इतने बड़े कि मद्रास और लखनऊ दोनों को शर्म आ जाए। जी हुकुम। समझ गए जी। हाँ हाय हाय, एक प्राइवेट की। अरे दयाल बाबू। राम। घड़ी खम्मा। जय राम जी। पधारो मालक। राम। कैसे हो? जोरदार। वो तो आपके हाव भाव से ही लागे है। आपसे काम करवाना है, दीनानाथ से डेगाना की एमएलए की सीट कंफर्म करवानी चौधरी रामनिवास की। 5 करोड़ रुपए देगा। क्यों मजाक कर रहे हो? दीनानाथ जी तो आपके भाईले हैं। हाँ, लेकिन आज की तारीख में दीनानाथ के लिए मेरी बात से आपकी बात का महत्व ज्यादा है। मैं को नहीं कर सकूं। हाँ हुकुम, काम हो जाएगा। चुकर? अरे मैं कठे बोलू, मैं तो चुपी हूँ। अनोखी, राजनीति तो ऐसा समुंदर है, हिम्मत करके कूद जाओ, जितनी बार कूदोगे बाहर निकलोगे मोती हाथ में आएगा। देखो अनोखी, ये राजनीति नोट छापने की मशीन है। राम राम सा। अरे राम राम, कहाँ चली जाती हो मेरी रानी? थारी चरणों में। अरे चरणों में तो हम थारे हैं, मत जाया कर, मन उदास हो जाता है। मारा भी यही हाल है। अरे मार डालोगी? काट खाऊंगी। राम निवास जी, 5 करोड़ रुपए लेके आया है। जय राम जी की। जय राम जी की। मुखिया जी, कैसे हो आप? बहुत खुश हो तुम्हारी तरक्की देख करके। सब आपकी मेहरबानी से। नहीं अनोखी, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी, मने माफ कर दे अनोखी, मने माफ कर दे। छोटे लोगों के साथ बैठा देख करके लोग क्या कहेंगे मुझे? अगर मेरे से बात करनी है ना तो एक काम कर, वहां जाकर बैठ। उठ, वहां जाकर बैठ। छोटे लोग हैं, छोटे लोगों के पाँव पड़ते किसी ने देख लिया तो थारी बहुत बदनामी होगी। मंगड़ा की लुगाई टिकट के लिए 5 लाख रुपया दे रही है, थारे पास कहिए देवाने? जो कुछ आज तक बचा के रखा है वो सब थारे हवाले कर दूंगी। इससे काम नहीं चलेगा, धंधे का मामला है, पिस्सा कमाने का टाइम आया है। टिकट तो मैं मंगड़ा की लुगाई को ही दूंगा। ये तो पिस्सा कमाने का टाइम है, आप जाके इलेक्शन की तैयारी करो और मैं खुद पब्लिक में आपके वास्ते वोट मांगने आऊंगी। थाकी बहुत मेहरबानी, तो थोड़ी की औकात नहीं है, चल निकल रहे तू। आइए टिकट ले। मौसी मौसी, मंगला के आदमी तेरे घर पे ताला लगा कर चले गए। हो रहा है, थारे आदमी क्यों मेरे घर ताला लगा के आए? चाबी चाहिए? अपनी अकड़ में मर रही है तू, जब चाहे माला माल हो सके। इतना बड़ा खजाना है थारे पास, जो तू सोचे ना वो कदे नहीं होवे। तो ठीक है, मारा 50,000 रुपए दे दे और चाबी ले जा। धीरे धीरे चुका दूंगी। अरे आज तक तो दिए नहीं,
गांव वालों को पता चलेगा कि थारी माँ घर से बेघर हो गई है, तो जो इज्जत बचा के रख रखी है तूने, उसका क्या चार डालेगी? थारा भी जवाब को नहीं गांधी जी, किसी को भी सड़क पे ले आओ, किसी को महिला में बिठा दो। 100-100 रुपए के लिए तरसती थी मैं, आज करोड़ों रुपए सामने पड़े हैं। पापा, अनोखी के घर गई थी पापा। पापा पता है, रातों रात वो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, उसका तो रातों रात नक्शा ही बदल गया है। इस बैग में क्या है? 5 करोड़ रुपए अनोखी ने दिए हैं। हम पर विश्वास करती है ना पापा वो, और पापा पता है इलेक्शन लड़ रही है वो। वापस कर दो ये। पर क्यों पापा? उसे फोन करो कि आके ले जाए। चोरी करके नहीं कमाए मैंने ये पैसे, आप दौलतमंद परिवार से हैं, आपको पैसे की अहमियत मालूम नहीं। मैंने गरीबी देखी है, 100-100 रुपए के लिए अपनी माँ को बचपन में तरसते हुए देखा है। मेरा बेचारा बाप बचपन में ही गुजर गया, माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसको मैंने तड़पते तड़पते मरते हुए देखा। आपके लिए सिर्फ एक कागज के नोट है, पर मेरे लिए भगवान है, भगवान। लोगों के ताने सुन सुन के आज ये अनोखी, अनोखी से अनोखी देवी बनी। दीनानाथ से कहकर मैंने MLA की टिकट करवा ली, बदले में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो इसमें क्या बुरा किया? बड़ा अफसोस होता है, सियासती टिकट काबिलियत पर नहीं पैसे के बलबूते पर बांटे जा रहे हैं। जब ये लोग जीत कर राजनीति चलाएंगे तो क्या होगा राज और क्या होगी नीति। अनोखी, इन मगरमच्छों के चक्कर में मत पड़, जब इन्होंने देश को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या बख्शेंगे। वापस कर दे ये पैसे। मारो टिकट। चुप रहो यार, मेरे टिकट का क्या हुआ? चुनाव का टिकट क्या रेवड़ी है? बांटते रहो। जो सरपंच है उसको MLA बनना है, MLA को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। जिसको देखो खुजली हो रही है। अनोखी देवी के टिकट का प्रचार पूरे मार्केट में होने लगा है। मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ इस बात के। 10 बार समझाया इस दीनानाथ को, इस अनोखी के चक्कर में मत पड़, लेकिन नहीं, जिद्दी है साला, मानता ही नहीं। जो बात दिमाग में घुस गई बस वही करेगा। अरे कल रात को बोला मैंने कि जब विरोधियों ने लाखन चौधरी को टिकट दिया है तो हमें मुख्तार पहलवान को टिकट देना चाहिए, बस। लेकिन नहीं, लोग ऊपर से सोचते हैं, ये साला नीचे से सोचते हैं। समझा दे उसे वरना नीचे से उड़ा देंगे। हम सब मिलकर जो गुनाह किए उस गुनाह का गुनहगार बनाकर उसे सलाखों के पीछे रख देंगे। पहले सामने वाली पार्टी को अपना कैंडिडेट तय करने दो, फिर हम अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे। अगर वो किसी भले आदमी को टिकट देते हैं तो हम भी किसी शरीफ आदमी को टिकट देंगे, अगर वो किसी अपराधी को खड़ा करते हैं तो हम भी किसी अपराधी को खड़ा करेंगे। हमारी पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है। निर्दयता से लाखन चौधरी का नाम अनाउंस किया है उन लोगों ने, हमें भी किसी बाहुबली को फिट करना पड़ेगा, और मेरे विचार से मुख्तार मियां इसके लिए करेक्ट कैंडिडेट है। निर्दयता से अनोखी देवी चुनाव लड़ेंगी, उसको हमारा आशीर्वाद है भाई। अरे अनोखी देवी से काम नहीं बनेगा, लाखन चौधरी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। मुख्तार मियां को लाइए। अरे तो अनोखी देवी क्या कमजोर कैंडिडेट है? अरे जहां जाती है क्या भीड़ इकट्ठा करती है, और फिर हमारे पार्टी का इस बार शोर कितना है, साला गधे को खड़ा करेंगे जीत जाएगा। मुख्तार मन बना चुका है अपना चुनाव लड़ने का, अगर आपने टिकट नहीं दिया ना तो फिर विरोधी पार्टी उसे टिकट दे देगी। मसल पावर है बड़ा वाला, सोच के देखो। और रही अनोखी देवी की बात, तो कहीं और से फिट कर देना। उसको फिट करना जरूरी है यार, नहीं तो मुझे फिट कर देगी वो। देख, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 50 लगा दूंगा, 50-50 फिट के थारे पोस्टर हर गली हर चौराहे पर दिखेगी, तो सिर्फ अनोखी देवी दिखेगी। लोग माथा उठा के थारा पोस्टर देखेंगे, चकर बट्टी खा के वहीं गिर जाएंगे। और कोई कमी हो तो बता दे मन्ने, बना रहा हूं। इसकी कमी रह गई है कबूतर, इसकी पहना दे, चढ़ा दे अगर चाहे तो। ये मुख्तार भाई है, हमारे इलाके के बड़े नामचीन दादा हैं, इनके आशीर्वाद के बगैर कोई मेड़ता से इलेक्शन ना जीत सके। यही कहने आया हूँ कि मेड़ता से इलेक्शन हम लड़ रहे हैं।
इको फैसलो तो दीनानाथ करेगा। दीनानाथ जी के हाथ में कोई फैसला नहीं है, ये फैसला हमारे हाथ में है, समझा दे अपने मैडम को। मेरे घर में आके मन नहीं धमकी देवे, बड़ा घमंड है ना तेरे अपने पावर पे। चल एक काम कर, तू भी निर्दलीय खड़े हो जा, मैं भी निर्दलीय खड़ी हो जाती हूँ। देखते हैं पब्लिक वोट किसको देती है, तेरी पिस्तौल को या मेरे ठुमको को। अनोखी शांत हो जा। क्या शांत हो जा, साला मेरे घर में आके मन्नत धमकी देवे। दीनानाथ से कह देना कि मेरता से ना लड़ने का फैसला आपकी मैडम ने किया है। एक बात बोलूं अनोखी, अपने इस झमेले में नहीं पड़ना है। मुख्तार के पास दीनानाथ के कई राज छिपे हैं, वो चाहे भी तो भी मुख्तार से बगावत नहीं कर सके हैं। मन्ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, सब कुछ लुटा के खामोशी से को नहीं बैठूं मैं। तू हौसला बढ़ा, मैं सबको लपेट लूंगी। सलाम अलैकुम। आओ आओ मेरे शेर, मेरे बबर शेर, मेरे सिपा सालार, तेरे पास ही आने की सोच रहा था। ये कहने के लिए कि हम इलेक्शन ना लड़े हैं। कैसी बातें करते हो यार, बैठो। अरे जब से तूने फैसला किया लड़ने का, अपोजिशन की फटके हाथ में आ गई है। लेकिन मेरी एक राय है, आप मेड़ता से नहीं अजमेर से लड़ो। अजमेर में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, मेरता से लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी हमारा जीतना मुश्किल और तुम्हारी वो भाई नचनिया उसका आसान लग रहा है। देखो भाई, तुम्हें उसके गोद में बैठना है तो बेशक बैठो, उसके घाघरे से सिर्फ फूल झड़ेंगे, वोट नहीं। हमने मन बना लिया है कि हम मेरता से लड़ेंगे, बस। अरे कहां जा रहे हो यार, अरे नाराज क्यों हो रहे हो? ला भाई चाय लेके आ। अरे भैया जो तुम कहोगे, जहां से कहोगे वहां से लड़ो यार। मुख्तार क्या बात करते हो? अरे कहाँ है तू बना रहा? होल्डिंग वाले के पास। अरे तू रोज सुबह सुबह गायब हो जावे, बैंक में पैसा जमा कराना है कि नहीं? तो काम से आया। मेरता शहर से मुख्तियार खान का नाम घोषित किया गया। टेगाना से रामनिवास चौधरी जनसेवा पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बाकी उम्मीदवारों के नाम बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। अनोखी देवी का फोन है। अबे अनोखी देवी के, तेरे को बोला ना, उसको बोल घर पे नहीं है, फोन घर पे छोड़ गए। वो देख तेरी सेठानी आ गई मेरी। अरे मेरी तेरी एक ही बात है, जा ठंडा कर उसको जल्दी जा। हाँ गुप्ता जी, ये के खेल खेल रहे हो मेरे साथ? चल अंदर बैठ कर बात करते हैं। जो बात होगी इधर ही होगी। अरे भाई अंदर की बात बाहर नहीं की जाती, चल अंदर चलते हैं। गुप्ता जी मेरी बात पर विचार करना, इसी में हम दोनों का फायदा है। सोचूंगा। हाँ नहीं, आराम से एकदम शांत हो जा, कोई रास्ता निकालूंगा, ये मेरा वादा है। वादा? वादा निभाने का सिस्टम तो तुम लोगों की बॉडी में है ही नहीं। तू बुलाता है उसको या मैं बाहर जाऊं? लगता है घोड़ी बिदक गई। अरे सेठानी क्यों नाराज हो रही है, हैं? अरे एक ही सीट थोड़ी है, 200 सीटें हैं पूरे प्रदेश में। मेड़ता नहीं तो कहीं और से खड़ा कर दूंगा, और नहीं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, तू खड़ी हो जाना, मैं बैठ जाऊंगा बस। ए बंद कर अपना ड्रामा, अनोखी घाघरा उतारना जानती है तो धोती उतरवाना भी जानती है। ए, बस कर। कहा था आपसे ये खेल मत खेलिए, मत पड़िए घाघरे के चक्कर में। अरे घाघरे की कीमत चुकाई है मैंने, हैं? धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, इसको सेठानी बना दिया, और कुछ चाहिए तो 20-50 लाख और ले ले। दीनानाथ का दिल बहुत बड़ा है। ए, पीछे करो मत दिखा मन्ने, अनोखी अपना घाघरा झटकेगी ना तो तेरे जैसे 40 निकलेंगे। दमान संभाल के बात कर। अरे क्या तू है, तने खुद अपने किस्मत के ताले की चाबी मन्ने दे दी हाथ में। निकल बाहर, निकल बाहर। ए बुड्ढे, शक्ल देखी शीशे में, इंसान तो दूर कुतिया तेरे नजदीक ना भटके। चल हट, सब बात करता है। अबे छोड़, तुझे चाहिए था तुझे मिला, जो तुझे चाहिए था मुझे मिला। निकल, शुरू में आई बोलती है मटन बड़ा अच्छा बनाती हूँ, अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। शांत हो जाए, खिलाएगी मुझे, सब खा पी के डकार भी नहीं मार रही अब। शांत हो जाए यार। अरे छोड़ यार, क्या मरवा देगी?
कुछ तेरा ही करा धरा। क्या करा धरा? तन्ने दीनानाथ के गुण गाए थे, तन्ने मिलवाया था, ये है वो है ऐसे है वैसे है, ले ले मजे। अब मैंने जो कुछ भी किया थारे भले के लिए किया है। भले के लिए किया? जो पूछना दयाल बाबू पूछ। एमएलए की टिकट मिलेगी, लाल बत्ती लगेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, कहा था कि नहीं? दयाल बाबू ने बोला था ना मारे को, जो भी बात करनी है दयाल बाबू से कर, उन्हीं ने सपने दिखाए थे, उन्हीं ने बोला था। दयाल बाबू आ गए, कहा हुक्म आपने, जान आफत बचा दी हमारी। थारा गुस्सा वाजिब बहनों की। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ किसी ने चीटिंग की, किसी ने धोखा किया और मन ने अगर वो मेड़ता की सीट ना मिली तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही है? मैं खुद दीनानाथ को बोल के आया हूं कि उसने तारे साथ बहुत गलत किया। चलो दिखाओ थाने क्या किया उसने, सारी की सारी रासलीला। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर फिल्म तो पूरी बाकी है। हाँ क्या हुआ? होना क्या था? सीडी बना ली उसने मोबाइल से आपकी, आपकी सारी हरकतें, सारे आसन बिस्तर पर अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं मैं। जन्म कुंडली बिगाड़ देगी वो सीडी आपकी, सारी राजनीति चौपट हो जाएगी, पूरा प्रदेश थूकेगा आप पर, एक एक घर में निंदा होगी और दिन के उजाले में तो छोड़िए आप, रात के अंधेरे में भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे आप। और जिस पार्टी की सेवा की ना आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद, दो मिनट में वो पार्टी निकाल के फेंक देगी आपको। हाँ बुड्ढे की कोई अकल आई? अरे उसने समझाओ नहीं तो मैं उसका बैंड बजा दूंगी। अरे बहुत पछतावा है उनको। लो बात कर लो। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे मैडम। अच्छा अब माफी मांगने के लिए हम आपके यहाँ आए या माफ करने के लिए आप हमारे यहाँ पधारेंगी? हेलो काट दिया। गनीमत है फोन ही काटा है। अरे तू बड़बड़ बंद करेगा कि नहीं? अरे मैडम अनोखी देवी जी को प्रेम प्रकाश गुप्ता का सादर प्रणाम। अरे गुप्ता जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे मैडम आपका क्या मुकाबला है, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आज तक ब्यावर के लोग भूले नहीं आप। अरे दीनानाथ जी कैसे हो? अरे ये माकड़ी यहाँ क्या कर रही है? बनाराम अनोखी सीएम के पास गई है, सीएम ने अनोखी देवी को अपने पास बुलाया था। मेरी एक सलाह है, तू बंद कमरे में अनोखी देवी के पांव पकड़ के माफी मांग ले। अरे बकवास बंद कर, मैं उस माकड़ी से माफी मांगूंगा, मैं मर भी जाऊं तो भी उसे माफी नहीं मांगूंगा। मैं मर भी जाऊं पर माफी ना मांगूं। दीनानाथ का फोन है। बात कर, घबराती काय को? हेलो सीएम से मिलने गई थी? हाँ गई थी। किस लिए? काम से ही गई थी, चाय पीने थोड़ी गई थी। देख अनोखी तू जिस रास्ते पर चल रही है ना वो ठीक नहीं है, बहुत पछताएगी तू। धमकी देवे मने? अरे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना, समझी? चल गुस्सा थूक दे, आजा इधर। बहुत छटपटा रहा है। हेलो एक बार सो क्या लिया, जान पे बनाई। अरे अनोखी देवी के नाम का सिक्का पूरे राजस्थान में कहीं पर भी फेंक दो, लाखों लाख पब्लिक खड़ी हो जाएगी कदमों में इसके। इसलिए कल ही मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं दीनदयाल होगा। और ये औरत जिसको एक टिकट के लिए मना कर रहा है ना, इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। टिकट मांगने के लिए बनी है तू? अरे औरत टिकट मांगने के लिए नहीं, टिकट बांटने के लिए बनी है। और आज की तारीख में पैसा सबसे बड़ी ताकत, और उसकी तिजोरी की चाबी इसके पास है। अब ये समझदारी से रहे, दीनानाथ के पास टिकट की जगह 50 करोड़ रुपए मांग ले, हंस के देगा। नेताजी 50 करोड़ नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं, 1-2 करोड़ से भी काम चल जावे। बनाराम अपने कद के हिसाब से नहीं कलेजे के हिसाब से सोच, तेरा कलेजा हाथी के जैसा है, अगर ये औरत उससे 100 करोड़ भी मांगेगी ना तो हंस के देगा, लेकिन लालच नहीं 50। जरा सोच अनोखी देवी की 50 करोड़ और मेरे 40 विधायक जब आपस में मिल जाएंगे तो होगा राजस्थान में तमाशा।
आइए अनोखी देवी जी, आइए। बहुत अनोखा काम किया आपने। इस तरह की सीढ़ी खुद एक औरत तो नहीं बनवाती। मर्द जब हो जावे तो औरत कोई भी सीमा लांग सके। बहुत जल्दी रंग बदल लिया तुमने। जब तुम बदल सको तो मैं भी बदल सकूं। मेड़ता की सीट मन्ने देकर नाम मुख्तियार का अनाउंस करवा दिया कि मारी कोई इज्जत है कि नहीं। पोस्टर छपा दिए, सड़का पे लगवा दिए। तू समझे क्या अपने आप ने? तू है के तू? देखो, बात समझने की कोशिश करो। मुख्तियार मेरी मजबूरी है। वो अनपढ़ है, जाहिल है। मेरे बहुत सारे राज छिपे हुए उसके पास, और तू चिंता क्यों कर रही है? मुख्तियार को तो मैं यूं समझा कर कोई और सीट दिलवा दूंगा। हैं तुला, वो सीटी मुझे दे दे। वो अपोजिशन वालों के हाथ लग गई तो हंगामा हो जाएगा, तेरी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। हाँ, वो सीडी अगर जनता में पहुंच गई तो मशहूर हो जाएगा तू। बगैर मेहनत करे सीएम बन जाएगा। देख, मेरे सबर का इम्तिहान मत ले, सीडी दे दे, इसी में तेरा फायदा है। ठीक है, तू ले ले सीडी, और दे दे मन्ने 50 करोड़। 50 करोड़? अरे 50 करोड़ जितना तो वजन भी नहीं है तेरा। मन्ने ब्लैकमेल कर रही है। सौदा सौदा करूं सौदा। जब तुम सीएम बनोगे तो 5-7 हजार करोड़ तो कमाओगे ना। थारा भी धंधा, मारा भी धंधा। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें करोड़ 2 करोड़ दे सकता हूँ। लूंगी तो पूरे 50 करोड़। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। मैं भी तो यही कहूँ, मैं जिद पे अड़ गई ना तो थारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जय राम जी। मेरी तो राय है कि इस पूरे मामले को प्यार मोहब्बत से सुलटा लेना चाहिए, चुपचाप। अरे इसको जमीन में गड़वा दूंगा, ऊपर से हरी घास लगवा दूंगा, धमकी देने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा हुक्म बाद में चलता है, गोली पहले चल जाती है। सबको जेल भिजवा दूंगा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब चाहिए मुझे। 50 करोड़ चाहिए। 50 हजार की औकात नहीं है उसकी। थारी एक ही प्रॉब्लम है कि टावर की तरह जिद पे अड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। दीनानाथ ने साफ कह दिया है कि वो हम लोगों को रोड पे ले आएगा। सोच अनोखी, इस चक्कर में मत पड़, इतना बड़ा सोचने की औकात नहीं है अपनी। पनाराम, घोड़ी जब रेस में दौड़ती है ना तो बीच रास्ते में नहीं रुकती, मंजिल तक दौड़ती है, चाहे फिर वो रेस जीते या हारे। अनोखी अब मैदान में उतर चुकी है, अब पीछे को नहीं हटू, जो होगा देखा जाएगा। हुक्म, वो बहुत जिद्दी थी, वो नहीं मानी, मैं तो छोड़ दिया उसको। हुकम, इससे ज्यादा मन्ने नहीं मालूम। मालूम नहीं है, बताना नहीं चाहते। हुकम, अब सब कुछ बता दिया तो क्या बचा है छिपाने को। हुकम, घड़ी खम्मा जोर से। ठीक है, जाओ, इस पर नजर रखना। आई डोंट ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। जी सर। यस। हेलो मिश्रा जी, नमस्कार। मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ। हाँ दीनानाथ जी, बोलिए। मिश्रा जी, दिल्ली में अपने होम मिनिस्टर राजदीप सिंह जी हमारे परम मित्र हैं, और वो आपके भी मित्र हैं, तो आपसे मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। आप हमारे यहाँ पधारेंगे या हम आपके यहाँ हाजिर हों? हम तो आपको बुलाई लेंगे, फिलहाल मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु इच्छा। देखो जैन साहब, इस बार आप खुल के हमारी मदद करो, अगली बार खुल के हम आपकी मदद करेंगे। सीबीआई ऑफिसर मिश्रा साहब आए। अरे बुला बुला बुला। अच्छा जैन साहब, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, विचार कीजिए आप। नमस्कार, आइए सर। थैंक यू। नमस्कार जी। आइए सर, आइए आइए, पधारिए। नमस्कार। नमस्कार, आइए। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके आने पर। राजदीप सिंह जी बड़ी तारीफ करते रहते हैं आपकी, मेरा तो लंगोटिया यार है जी। जी बताया था आपने। आराम से बैठिए जी, एक एक प्याला चाय हो जाए। जी मैं चाय नहीं पीता। घबराइए मत, हम चाय में जहर नहीं मिलाएंगे। हम पर तो जहर भी असर नहीं करता दीनानाथ जी। ओ अच्छा, वो अनोखी देवी वाले केस का क्या हुआ? कहां तक पहुंचा केस? हम मुजरिम के बिल्कुल पास है सर। अरे धर लीजिए को, जब आप कहेंगे पकड़ लेंगे। मिश्रा जी, आप ट्रैक से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं और आप दुश्मनी के बीज बो रहे हो। देखिए 40 दिन तो हो गए आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, और 20 दिन बचे हैं आपकी रिटायरमेंट में।
केस का फैसला 20 दिन में तो क्या, 20 सेकंड में हो जाता है। फैसला हो गया है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। मिश्रा जी, हम आपको एक सलाह देते हैं, 20 दिन के बाद आपके पास ना तो लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी ना पावर होगी, आप सड़क पर घूमते हुए नजर आओगे। आज जो दोस्ती बना लोगे वही काम आएगी, दुश्मनी नहीं। क्या, छोड़िए इन बातों को, चाय नहीं पीते तो कोई बात नहीं है, एक एक कप कॉफी हो जाए। उधार रही, कॉफी जरूर पियेंगे लेकिन मेरे ऑफिस में। नमस्कार। बोलो दीनानाथ। अरे वो सीबीआई अफसर मिश्रा हम सबका कबाड़ा कर देगा। थोड़ा देते हैं मिश्रा जी को। सर आप रोज मंदिर आते? जिन लोगों को सर उठाकर जीने की आदत होती है उन्हें कभी कभी भगवान के दरबार में सर झुका लेना चाहिए। जी सर। कितने पैसे मिले थे गोली चलाने के लिए? बता। 10,000 रुपए साहब। ले, 10,000 रुपए के लिए जान ले लेगा किसी की तू? साहब मार्केट में यही रेट चल रहा है, मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा। तू कानून की मदद करेगा तो ही हम तेरी मदद करेंगे, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है साहब। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, बहुत परेशान कर रखा है तुम दोनों ने हमको। देखो हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जाओ हमारे भाइयों को लेकर आओ, जाओ। तुम्हारे भाइयों के कहने से ही यहाँ पर आ गए हैं, क्या है ना उनका मन नहीं लग रहा है हवालात में, इसलिए तुम्हें लेने पहुंच गए। तुम दो और बाकी हमारी लंबी चौड़ी फौज। निर्भय सिंह जी। जी निश्चय सिंह जी, लंका को जलाने के लिए तो एक हनुमान ही काफी था, हम तो दो हैं। हाँ और बाहर 200 और खड़े हैं, ये भी तो बताओ निश्चय जी। देखो मुख्तार मियां, खून खराबा करने में आपका कोई फायदा नहीं है, समझदारी इसी में है कि आप कानून की लड़ाई लड़ो। हम आपको अनोखी देवी के मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं और गिरफ्तार करके रहेंगे। रीत से चले चलो, वरना रीत से ले जाना हमें आता है। जी मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम अनोखी देवी को जानते हो या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका कत्ल तुम्हारे हाथ हुआ है। न
मेरी दिलचस्पी उन लोगों में है जिन्होंने तुम्हें इस काम के लिए उकसाया है। मैं गुनाह और गुनाहगारों को जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, कानून का साथ दोगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर अदालत गए तो इससे पहले कि अदालत यह फैसला सुनाए कि मुख्तियार सिंह को अनोखी देवी के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाती है, आई विल किल यू पर्सनली। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम हां कहना चाहते हो या ना? ये दोनों तुम्हारे ही भाई हैं ना? सब कुछ कन्फेस कर लिया इन्होंने। पठान का बच्चा जंग लड़ने से पहले यार गया, ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? ले जाओ। स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने कि अनोखी देवी को तुम नहीं मारा। गिरे मिट गई, बात ही खत्म हो गई। जब तुमको सब मालूम है तो परेशान क्यों हो रहे हो? फाइल बंद करो, ले चलो अदालत में, यही तो हम बोलते हैं। अदालत नहीं, हम तो तुम्हें ऊपर ही पहुंचाएंगे मुख्तियार सिंह। हमारे साहब ने फैसला किया कि अब तुम लोगों का इंसाफ हम करेंगे, अदालत नहीं। रिटर्न टिकट साथ लेकर ही आया हूं। मुख्तियार जी जनाब, तुम्हारा एक घमंड घुसेड़ देंगे। कहते हैं पहलवानों की मौत के हाथों होती है, किसी भी मामूले आदमी से कहकर तुम्हें मरवा सकते हैं। बहुत लोग हैं हमारे पास। और कुछ? आइए सर। अनोखी देवी का केस कहां तक पहुंचा? मंजिल के बहुत करीब है सर। बहादुर होनहार हो। थैंक यू सर जी। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए मनोज सिंह जी, आपसे बहुत मिलने की कोशिश की लेकिन पता चला कि आप बाहर गए हुए हैं। जी, माँ से मिलने गांव चला गया था। जी बैठिए। थैंक यू। अनोखी देवी के केस को लेकर आपने सरकार की नाक में दम कर रखा है, ये जानते हुए कि अनोखी देवी के केस को लेकर बड़े बड़े गुंडों का और नेताओं का नाम उछाला जा रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में आपको डर नहीं लगा? देखिए, मौत तो जब आनी है तो आएगी। वैसे मौत बड़ी मेहरबान रही है मुझ पर, कई दफा मेरे दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। काफी दिलचस्प आदमी हैं आप। आपके किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। चाय सर। थैंक यू। बना भैया, इसको रख दो, जा सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। आपकी मदद के बगैर मैं एक केस सॉल्व नहीं कर सकता, आप आगे तो बात बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ? अनोखी देवी ने आपको मुख्तियार सिंह के बारे में जो फोन पर जानकारी दी थी, मैं उसे सुनना चाहूँगा। हाँ जरूर, एक मिनट। ये लीजिए सुनिए। हेलो, मैं अनोखी बोल रही हूँ। लगता है मुख्तियार मुझे जान से मार देगा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो सीधी जज जाहिर कर देना, पुलिस को दे देना। इसके आगे या तो किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया या गिर गया होगा। फोन में सीडी का कोई जिक्र है? वो बताने ही वाली थी कि वो सीडी क्या है, कहाँ है, मगर आपके पास कोई सीडी नहीं। लेकिन अनोखी देवी का एक बैंक लॉकर है जिसकी चाबी गीता के पास है, शायद वो सीडी उस बैंक लॉकर में हो। गीता बेटे, अनोखी देवी का कोई बैंक लॉकर है? हाँ, लॉकर का नंबर है मेरे पास। हाँ, उसमें एक सीडी होगी, वो सीडी मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं समझ गया, साइड देना उसे। डाल नहीं, मेरी सर्वाइवल कभी पूरी नहीं। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, तुम जो कहोगी ना सब लेके आऊंगा। एक काम करते हैं, शाम को पिक्चर देने चलते हैं। और सुनो, स्कर्ट वही पहन के आना जो तुम्हें मैंने बर्थडे पर गिफ्ट दी थी, ठीक है? अरे अरे मम्मी से कह देना यार कि एक्स्ट्रा क्लासेज है, वैसे भी तेरी मम्मी तो बहुत बोली है ना, कुछ नहीं कहेगी। अरे फोन रखो यार, तुम किसी तरह मुझे मरवा दोगी। क्या कर रहे हो बेटा, मोटरसाइकिल चलाते चलाते मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो? खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मुश्किल में डालोगे। साइड में खड़े होके आराम से। जी सर।
साइड दे रहा हूँ, खूब डाल साले। हाँ आने दो। कितना खून मेरा, जल्दी चलो बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, पापा वो ठीक है, मैंने उन्हें नीम का इंजेक्शन दे दिया है, वो सो रहे हैं। जाओ तुम भी घर जाकर सो जाओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी पापा के पास। देखो तुम सुबह से परेशान हो, हम लोग है ना यहाँ पर ध्यान रखने के लिए, जाओ सुबह आ जाना। नींद आ रही है? नहीं साहब, हम अरे आंखें तो बिल्कुल नींद से भरी हुई हैं। जाओ। नहीं साहब, हम जाओ, नहीं चीटे मार के आओ, चाय पी के आओ, जाओ चाय पी के आओ, जाओ चलो चलो चलो। करण सिंह, दौलत और पावर की हवस ने तुम्हें एक नीच और कमीना इंसान बना दिया है। तुमने जो किया उसे कानूनी भाषा में अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है, और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा एनकाउंटर कर सकती थी। मैंने भी कर दिया होता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नापाक बदन को तिरंगे झंडे में लपेटा जाता। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने पर पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी शोक मनाता और तिरंगे झंडे को एक दिन के लिए शर्म से झुका रहना पड़ता। ये हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान होता। निर्भय, इनकी वर्दी उतारो। कम ऑन। एक दिन आएगा सर, हम अपनी वर्दी खुद उतारेंगे या फिर आपकी वर्दी उतरवाएंगे सर। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ। मैंने आपके लिए 2 लाख रुपए भिजवाए हैं आपके इलाज के लिए, और चाहिए तो संकोच मत कीजिएगा। जख्म भी देते हो और मरहम भी लगाते हो। ये प्रभु इच्छा है, ले जाइए, आपके साहब के होर्डिंग लगाने के काम आएंगे। जी। ये फूल रख दो। बनाराम ने बताया था कि उसने अनोखी देवी को तिलोरा के आसपास छोड़ा था, और अनोखी का आखिरी फोन भी तिलोरा के पास ही आया था। ये लीजिए साहब, पिंटू के हाथ की गर्मा गर्म मलई मार के चाय, एक बार पियोगे तो झूमते रह जाओगे। अफीम तो नहीं मिला रखी ना इसमें? अरे साहब अफीम कहाँ मिलूंगा, चल बैठ। साहब ठीक है। अरे बैठ ना, नाटक मत कर। अरे साहब ठीक है। अरे बैठ। सर चिल्लाए नहीं सर, डर लगता है। क्यों भाई पिंटू? हाँ साहब। रात को भी तू ही रहता है यहाँ? हाँ साहब मैं ही रहता हूँ। 1 जुलाई की रात जी, यानी तकरीबन 2.5 महीने पहले जी, कोई औरत आई थी यहाँ? साहब औरत और मर्द तो रोज ही आते हैं, किस किस का ध्यान रखें। अरे कोई अनहोनी बात हुई हो, दिमाग पे जोर लगा जरा। ये देख, ये औरत थी। हाँ साहब कुछ याद आया, कुछ ऐसी थी वो, उसे कुछ गुंडे उठा के लेके गए थे। कौन लोग थे वो, देखा था कभी पहले? पहचान पाओगे?
साहब उनको तो नहीं पहचानता हूँ, उनकी गाड़ी को पहचानता हूँ। दीनानाथ जी के फार्म हाउस पे आती जाती रहती गाड़ी है। कहाँ ये फार्म हाउस? हेलो। हाँ सर, निर्भय सिंह निवेदन कर रहा हूँ। ये हाईवे पे एक ढाबा है, वहां से कुछ गुंडे उसे उठा कर ले गए थे। तुम लोग कहाँ हो अभी? हम अभी दीनानाथ के फार्म हाउस पे ही जा रहे हैं सर। ठीक है, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। यस सर। रुको, ये मोबाइल तो अनोखी का ही हो सकता है। कांस्टेबल जी सर। ए, इधर आओ, खोदो इसको। सिगरेट पियोगे? नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते। मैं तो भूल ही गया, आप सिगरेट नहीं बीड़ी पीते हो। ये लो, तुम्हारा ही ब्रांड पिलाता हूँ। बुरी बात है बीड़ी पीना, मगर ये ब्रांड हमारे अलावा और भी बहुत पीते हैं। इसी लकड़ी से जलाई थी ना बीड़ी? ये बीड़ी के टुकड़े और ये लकड़ी हमें उसी जगह से मिले हैं जहां तूने अनोखी देवी को मार के जलाया था। और सुन, इन टुकड़ों और इस लकड़ी पे तेरी ही उंगलियों के निशान है। अरे भाई, हमने लकड़ी घुसा के मारा कि बीड़ी घुसा के मारा? चलो मान लेते हैं कि इन पर हमारी उंगलियों के निशान है, पर इससे आप कैसे साबित कर सकते हो कि अनोखी देवी अगर मर गई है तो हमने ही मारा है? मुखिया। हेलो निर्भय, आई वांट टू सी यू। यस सर। कम हुआ? ओके सर। हाँ, कुछ बताया उसने? नो सर, बड़ा हार्ड कोर है। अनोखी देवी को मारकर जलाया गया है, कहीं से तो लकड़ी लाए होंगे। जरा पता करो आसपास कहीं लकड़ी की टाल है। जी सर। कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन? इनमें से कोई एक तारीख रात को लकड़ी लेने आया था? कुछ ध्यान से देखो। पीली पगड़ी वाले साहब? पक्का साहब, रात को आए थे और मुझे जगाकर ले गए थे साहब, और पूरी 8 मन लकड़ियाँ लेकर गए थे। अच्छा, उनमें से एक जना 2 घंटे बाद आया था साहब और मेरे मोबाइल से बात की। अच्छा। हाँ साहब। चलो शुक्रिया। लेकिन सर मेरा मोबाइल? अरे चिंता मत करो, लौटा देंगे। ठीक है साहब, मैं नथुलाल बोल रहा हूँ। एक खास खबर है, कल सुबह मुख्तियार मियाँ को अदालत ले जाएंगे। जब्बर सिंह बोलो। दयाल बाबू, जिंदाबाद।
कोर्ट जा रहा हूँ, कोई खास बात हो तो मुझे फोन कर। जी हेलो सर, अदालत में किसी ने मुख्तियार पर गोली चला दी सर। व्हाट? जी सर, मुख्तियार को मारा नहीं है, मरवा दिया है। मुख्तियार कोई अपने बाप का बेटा तो था नहीं जो भाईचारा निभाता। अदालत में जाके कन्फेस कर देता कि दीनानाथ के कहने पे मैंने अनोखी देवी को मारा तो क्या होता, रास्ते का रोड़ा ही हटा दिया। मुख्तियार ने अनोखी देवी को मारा, अब मुख्तियार ही नहीं रहा अनोखी मर्डर केस में। दोस्तों दोस्ती निभाई है मैंने। एक काम कर, सेक्रेटरी के हाथ से 2 करोड़ रुपए जब्बर सिंह के घर पे भिजवा दे। बोल उसको। शर्मा जी हुकुम, जरा 2 करोड़ का इंतजाम करना। जी हुकुम। हेलो सर, एक खास खबर है, मुख्तियार सिंह के मर्डर के बारे में बताना है। कौन हो तुम? वो छोड़िए सर, दीनानाथ और दयाल ने मिलकर मुख्तियार को जब्बर सिंह से मरवाया और बदले में दीनानाथ का आदमी जब्बर को 2 करोड़ रुपए देने जा रहा है और जब्बर सिंह मसूदा के फार्म हाउस में मिलेगा। मेरी खबर बिल्कुल पक्की है सर। हेलो कौन है रे तू? दीनानाथ जी का सेक्रेटरी हूँ, दयाल बाबू ने 2 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। दयाल बाबू, को किसने मारा? कितनी बार पूछोगे आप और कितनी बार मैं जवाब दूंगा? दयाल बाबू के कहने पे मैंने ही मुख्तियार को। फिर झूठ बोल रहे हो तुम। दीनानाथ का आदमी तुम्हारे घर पर आकर 2 करोड़ रुपए देकर गया तुमको। नोटों पे किसी का नाम नहीं लिखा होता साहब। मैं केवल दयाल को जानता हूँ, किसी भी दीनानाथ को नहीं जानता मैं। मुझे मारने से कुछ भी हासिल नहीं होगा सर। मैं सच कहता हूँ, दयाल के कहने पे ही मैं उसे मारा था। सर हो सकता है कि दयाल ने मरवाया हो लेकिन पैसे दीनानाथ के आदमी के हाथों भेज दिए हो। सर हो सकता है दयाल और दीनानाथ के बीच कोई अंदरूनी अनबन हो। सर इन पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे तो लगता है उनकी राजनीति का यह महज एक प्यादा है बस। अरे मिश्रा जी, आप यहां? यहां से गुजर रहा था तो सोचा इस पावन तीर्थ पर माथा टेक लूं और पापों का प्रायश्चित कर लूं। आप और पाप, जैसा आपका नाम है ना मिश्रा जी, वैसा ही आपका चरित्र। आपसे पाप कभी हो ही नहीं सकता। बस क्या है दयाल बाबू, अगर जाने अनजाने में आप जैसे शरीफ आदमी का दिल दुखाया हो तो बुरा लगता है। ये किस लिए हवन कर रहे हैं आप? अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, आपकी तरह। वाह, गलतियां और आपसे जिंदगी है मिश्रा जी, कठिन है। रास्ते बनाने के लिए हटाना पड़ता है लोगों को ना चाहते हुए भी। गलतियां होती हैं तो प्रायश्चित भी होते रहते हैं।
अब जब आप यहाँ आई गए तो अपने हाथ से दो बूंद घी की अग्नि में डल जाएं तो अग्नि भी पवित्र हो जाएगी। पंडित जी आइए बैठिए। मिश्रा जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए और जरूरत पड़े तो हमारी उम्र भी लगा दीजिए। वाह, यहाँ भी राजनीति खेल गए। उम्र लगाने की बात करें और वो भी जरूरत पड़ने पर। ज्योति सूर्य स्वाहा सूर्यो बरचो ज्योति। चलिए आवती लग गई, मैं चलता हूँ। सूर्य स्वाहा। पंडित जी जी आप चालू रखें, मैं छोड़ कर आई। ओम नमस्कारोमि पुण्य तीर्थेभ्यो नमः। ओम न सहस्त्र शीर्षा। मैं बोल नहीं सकता मिश्रा जी, कितनी प्रसन्नता हो रही है। बगल में ही घर है, चाय पी के जाइए। नहीं अभी तो लेट हो रहा हूँ, शाम को सीएम साहब के यहाँ मीटिंग है। अच्छा, अनोखी देवी की फाइल तैयार की है, उनको दिखानी है। अब ये गोरख धंधा तो लगा ही रहेगा मिश्रा जी। देखिए कहा गया है कि त्रेता में छांस मिले और द्वापर में घी, कलयुग में चाय मिले सो बना बना के पी, एक कप तो बनती है। ये किसने लिखा है? अच्छा कवि। कवि वो मेरी गाड़ी में खुद चलाकर आया हूं तो इसलिए मैं। ये तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ। मेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में रहेगा तो सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। आइए। हेलो साहब, मैं नथुलाल बोल रहा हूँ। हाँ नथुलाल, क्या हुआ भाई? साहब वो सीबीआई के नए ऑफिसर है ना, उन्होंने दयाल बाबू को अरेस्ट कर लिया है और ऑफिस में ले आए। हाँ ठीक है, आऊंगा भाई। आपकी चालाकी की नहीं समझदारी की दाद दे रहा हूँ, जो आपने मुझे पब्लिकली अरेस्ट नहीं किया। अगर पब्लिकली अरेस्ट करते ना तो बहुत खून खराब होता। आपके साथ चाय पीने की बड़ी तमन्ना थी मिश्रा जी, वहां नहीं तो यहां से ही। चाय तो बुलाइए, एक कप चाय भेजो। जी सर। अनोखी देवी आपकी पार्टी की मेंबर थी, उसके गायब होने का आपको जरा भी अफसोस नहीं है? पूरी ताकत झोंक दी है साहब उसको पता करने में। केस सीबीआई के हाथ में जाए इसमें मेरा ही हाथ है। सीएम के ऊपर प्रेशर करके आपको यहां कुर्सी पे मैंने ही बुलाया। बड़ी मेहरबानी की आपने मुझ पर, अब एक मेहरबानी और कर दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि अनोखी देवी जिंदा है या मर गई। आपकी भलाई इसी में दयाल बाबू, कि आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। उसको जाके बोल अंदर। हाँ। कि जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष दीनानाथ जी आए हैं। जी सरकार, अभी बोलता हूँ। इसमें इतना क्या सोचना सर? चाय इन्हें दो। जी सर, बाहर जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष दीनानाथ जी आए, उन्हें अंदर भेजूं? बिठाओ उन्हें, बिठाओ उन्हें। जी। अरे बोला। जी बोला, आपको बैठने के लिए कहा। अरे तो बैठा ही तो हूं आधे घंटे से। जी तूने बोला। हाँ। कि जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष दीनानाथ जी आए हैं। सेम टू सेम कहा सर, कि जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ जी बाहर पधारे हैं, पर उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। अंदर मीटिंग चल रही सर। कौन बैठा है अंदर? प्राइम मिनिस्टर बैठा है? दयाल बाबू आए हैं तो? और आपके लिए कहा है, अगर बैठना है तो बैठे, नहीं तो चले जाइए। जाइए। अच्छा आपको चाय लाऊं? अरे चाय की माफिया, ये क्या तमाशा है? आधे घंटे से बिठा के रखा हुआ है, जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष के लिए आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है? इतने बड़े अफसर हो गए हो तुम? अरे तुम जैसे अफसरों का हम मुकद्दर रोज बनाते हैं, रोज बिगाड़ते हैं। बस इसके आगे और नहीं बोलेंगे आप। क्या कर लोगे? सरकारी ऑफिसर से बदतमीजी करने के जुर्म में अभी कभी हवालात में डाल देंगे। रिलैक्स, मामूली से गुनाह में आपको अंदर नहीं करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे कि सुबह बंद किया और शाम को छोड़ दिया। हवाला भेजेंगे आपको जरूर, उम्र भर के लिए। ओ, अच्छा, तो फिर उस दिन उस घड़ी का इंतजार करना उम्र भर। अला विलायत में 4 किताबें पढ़ा अपने को। मैंने सॉलिसिटर से बात कर ली। ओके, जाओ मिला दो इनको। जी हुकुम, चलिए चलो। मिश्रा जी, दीनानाथ को अरेस्ट करने से पहले एक बार फिर सोच लें। दीनानाथ की अपनी जाति के लोगों में बहुत पकड़ है, उसकी अरेस्ट से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। सर मेरे पास पूरे सबूत हैं,
अनोखी देवी को गायब करवाने से लेकर उसे मरवाने तक और मरवाने से लेकर उसके सारे सबूत मिटाने तक, इस सब में दीनानाथ और दयाल का ही हाथ है सर। सर आप मुझ पर भरोसा करिए, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हेलो, खामा गणी हजूर, नीचे मिश्रा जी आए। अकेला आया? नहीं अकेला नहीं, पूरी पुलिस फोर्स लेके आए। ठीक है आने दे। नमस्कार। मुझे देखकर ताज्जुब हो रहा होगा आपको। खाना खाइए। आइए आप भी खाइए। शुक्रिया। पुलिस का काफिला लेकर आए हैं, मुझे अरेस्ट करने। वारंट लाए हैं? मैं खुद ही वारंट हूं। मुझे जब किसी को अरेस्ट करना होता है मैं वहीं पर वारंट इशू कर देता हूं। अनोखी देवी के केस के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। फोन रख दीजिए और खामोशी से मेरे साथ चलिए। खामोशी कहां रह जाएगी, भूचाल आ जाएगा पूरे प्रदेश में, भूचाल। दीनानाथ को अरेस्ट करना कोई मजाक है? हाँ बोलो। क्या आदेश है सर हमारे लिए? नीचे रहो। जी। मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। खाना खत्म कर लो फिर चलना है। सीबीआई ऑफिसर सत्यप्रकाश मिश्रा ने आज अनोखी देवी के केस में दीनानाथ और दयाल को अरेस्ट कर लिया है। इन दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा सीबीआई ऑफिसर होने के साथ साथ एक बड़े लॉयर भी है। इन्होंने अदालत से अनोखी देवी केस की पैरवी करने की इजाजत ले ली है। आज जोधपुर शहर में हल्की बारिश हुई। चलना चाहते हो? नहीं चलाओ। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। जानते हो उसे? जानते हो? नहीं नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। आप जानते हो उसको? मिश्रा, पूरा प्रांत मेरा भक्त है, अब जरूरी नहीं हर किसी का नाम जानू। सुना, तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपनी जान की आहुति देना चाहते हो। यही इस देश की जनता की प्रॉब्लम है। एक मासूम आदमी नेता के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है, लेकिन आजादी के बाद आज तक क्या किसी नेता ने अपने एक आम आदमी के लिए अपनी जान दी है? हीरो बनना चाहते हो? चलो। मिलॉर्ड, ये अनोखी देवी के केस के रिकॉर्ड्स हैं, जिससे जाहिर होता है कि कैसे अनोखी देवी दीनानाथ जी की जिंदगी में आई और कैसे दीनानाथ जी परेशान होकर उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में लगे रहे। अनोखी देवी एक नाचने गाने वाली नर्तकी थी। एक फंक्शन में उसकी मुलाकात दीनानाथ जी से हुई। अनोखी देवी के लटके झटकों ने दीनानाथ जी को उसका दीवाना बना दिया और उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए दीनानाथ जी ने उसे अलग अलग वादे करने शुरू कर दिए, यहां तक कि मेड़ता की एमएलए की सीट भी उसको ऑफर कर दी। प्रॉब्लम तब आई जब मुख्तियार सिंह ने भी मेड़ता से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। अब मुख्तियार सिंह और अनोखी देवी के बीच बन गए सैंडविच दीनानाथ जी। दयाल बाबू, मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसे ही कुछ था। मिलॉर्ड, ना चाहते हुए भी दीनानाथ जी को मेड़ता की एमएलए की सीट मुख्तियार सिंह की झोली में डालनी पड़ी। अनोखी देवी बड़ी शातिर और चालाक किस्म की औरत थी। वो समझ गई कि मुख्तियार सिंह के पास दीनानाथ जी के बहुत सारे राज हैं, इसलिए ऐसा हुआ। लिहाजा उसने भी अपने जड़े मजबूत करने की कोशिश की। उसने दीनानाथ जी की खेली हुई रासलीला को एक सीडी में कैप्चर किया। उस सीडी के जरिए वो दीनानाथ जी पर प्रेशर डालने लगी। दयाल बाबू, ऐसा ही हुआ था ना? ब्लैकमेल तो करना शुरू कर दिया था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड।
मेरे मुवक्किल दोस्त दीनानाथ जी से पूछने के बजाय दयाल बाबू से जबरदस्ती हाँ कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात को बड़ी चालाकी से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब मनगढ़ंत कहानियां इस अदालत में पेश की जा रही हैं कि दीनानाथ जी ऐसे थे, वैसे थे, माना दीनानाथ जी जैसे भी थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस अनोखी देवी के चार्ज में दीनानाथ जी और दयाल बाबू को यहाँ कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। बनाराम को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं सर। घड़ी खम्मा हजूर, मैं अनोखी देवी का सेक्रेटरी हूं और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अनोखी देवी को मारने में थारी मदद करूं? ना 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 ना, ये काम मैं मरे ना करूं। मुख्तियार भाई साहब ने तेरे लिए 10 लाख रुपए भेजे हैं, या थारी जिंदगी या थारी बैंड। के बात बनाराम, भूख को नहीं? मन नहीं हो रहा है। तने के लागे दीनानाथ पिसा देगा? अनोखी, जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। दीनानाथ का जो मसला है उसको सलटा देना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमें सलटा देंगे। समझ बात। हेलो भैया, मुझे बचा लो भैया, वरना मुख्तियार के भाई मुझे मार डालेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। नेताजी, मैं बात कर रहा हूँ, मैडम के पास बैठा हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप चिंता ना करो जी, मैं बात कर रहा हूँ। नेता भरोसा करने लायक कौन है? नेता पीसा कद और कहाँ लेना है इसका फैसला मैं करूँगी। पीसा अपन पहले लेवांगे और सीडी उसने देवांगे 2 दिन बाद, उससे पूछ लो, सौदा मंजूर है तो ठीक है। हेलो, क्या सोचा तुमने? देखिए नेताजी, जो ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए, मैडम से बात हो गई है, पैसे कल लेंगे, सीडी 2 दिन बाद दे देंगे। यदि आपको मंजूर हो तो बोलो, मैं मैडम को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लाऊंगा। मैंने बहन की घबराहट से अनोखी को मुख्तियार के हवाले कर दिया। हुजूर, इन लोगों ने मेरी अनोखी देवी को मरवा दिया। किन लोगों ने मारा? इन लोगों ने, यानी तुमने इन लोगों के हवाले अनोखी देवी को किया था, है ना? नहीं, मुख्तियार के भाई पकड़ के ले गए थे। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि अनोखी देवी को इन्होंने मारा है, जबकि तुम्हारे कहे मुताबिक अनोखी देवी को मुख्तियार खान के भाई पकड़ के ले गए थे, है ना? मिलॉर्ड, ये वो फोन है जो हमें तहकीकात के दौरान एक लकड़ी की टाल से मिला। इस फोन से मुख्तियार सिंह ने करण सिंह को फोन किया और करण सिंह ने अपने फोन से दीनानाथ जी को फोन किया। ये फोन 4:15 पर हुआ था और बातचीत करने की जो ड्यूरेशन थी वो 15 सेकंड की थी, और 15 सेकंड में कोई भी इंसान कह सकता है काम हो गया। ये उसकी रिपोर्ट। थैंक यू। तुम जा सकते हो। मिलॉर्ड, मुख्तियार सिंह ने मुझे फोन किया था और बताया था कि काम हो गया है, और फिर मैंने दीनानाथ को फोन करके बताया था कि काम हो गया। अनोखी देवी को गायब करने में हम सब गुनाहगार हैं। मैंने सरकारी वर्दी के साथ इनजस्टिस किया, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मिलॉर्ड, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी किया उसके साथ, साली ब्लैकमेल कर रही है। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इलेक्शन सर पे है, अगर वो सीडी अपोजिशन के हाथ लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किसी ना किसी तरह मुझे वो सीडी चाहिए। एक सीडी लेकर क्या होगा, मास्टर तो उसके पास है, 10-20 कॉपी और बना लेगी वो। मुख्तियार सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है दीनानाथ, इसलिए जो बात बिगड़ गई है उसे बनाना ही चाहिए। एक काम करो, मेड़ता सीट से अनोखे देवी का नाम अनाउंस करो। राजस्थान में मुख्तियार सिंह की दादागिरी का दबदबा है, जहां से खड़ा करोगे वहीं से जीत जाएगा। अरे मैंने तो कहा था भैया, अजमेर से खड़े हो जाओ। ठुक्कर चढ़ने का हमारा आदत नहीं है, नाम हमारा मेड़ता से अनाउंस हुआ है, हम वहीं से खड़ा होगा। अरे तुम्हारा नाम अनाउंस तो कर दिया मेड़ता से भाई, लेकिन अब इस चक्करव्यूह से निकालना तेरा फर्ज बनता है ना। टेंशन नहीं लेने का, जख्म ना शुरू होने से पहले उसका ऑपरेशन करने को हमको आता है।
हो जाए तो वो सीधी जग जाहिर कर देना, पुलिस को दे देना। और सुनो, हेलो, छोड़ो अनोखी, हेलो छोड़ो मुझे, बचाओ। मुख्तियार सिंह ने अनोखी देवी की हत्या की है। मिलट, नफरत हो गई मुझे अपने आप से कि मैंने ऐसी गंदगी में हाथ डाल के अपने हाथ गंदे किए। चलिए, आपको एहसास तो हुआ। बहरहाल, आपके बताए अनुसार अनोखी देवी को मुख्तियार खान ने मारा है। जी योर ऑनर, मैं भी यही मानता हूं। और सारे सबूतों को देखते हुए यह जाहिर होता है कि अनोखी देवी को मुख्तियार खान ने ही मारा है। अब चूंकि मुख्तार खान इस दुनिया में ही नहीं है, इसलिए यह केस ही बेबुनियाद हो जाता है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि दीनानाथ जी और दयाल बाबू को अनोखी देवी के चार्ज से मुक्त किया जाए। That's all your order. The court is adjourned. ये हम सीढ़ी लेके पहुंच रहा हूं बस। जय राम जी की भाई जी, जल्दी में हो मनोज सिंह जी। आप कौन? ये साहब ने लेटर और सीढ़ी भिजवाई है आपके लिए। अदालत जाने से पहले गौर से देख लेना इसे। जयराम जी की। कौन से साहब? अरे सुनिए सुनिए, गीता, गीता,
सीता, जिंदगी भर दूसरों की आंखों से आंसू पोंछते रहे और आज आपकी आंखों में आंसू। गलती मेरी है बेटा, मैं गुनहगार हूं तेरा। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो मुझे तोड़ने वाला नहीं है, पर अगर आप ऐसे रोए तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी पापा, मैं मर जाऊंगी। आप ये नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, आप शरीफ आदमी हो, बाल बच्चे वाले हो, हैं? छोड़ो ये सब, वो जाने वाली तो चली गई, अब बाकी की चिंता करो। धन्यवाद, आपकी इस नसीहत को याद रखूंगा। इस केस में जिस सीडी का जिक्र है वो कहां है? योर ऑनर, सीडी मेरे पास है, एक नहीं दो सीडी है मेरे पास। मेरी अदालत से विनती है कि इन्हें सरेआम न देखकर आप अपने चेंबर्स में तशरीफ ले जाएं प्लीज। एक्सेप्टेड। Disgusting. ये है मेरे दुखों की दास्तान, इस पर भी गौर फरमाएं। Very sad. कौन है ये? मेरी बेटी है जज साहब। समाज, कानून और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का मेडल मुझे मिला और मेरे कारनामों की सजा इसे। पढ़िए, मुझे धमकी दी गई थी कि अगर अनोखी देवी की सीडी को मैंने अदालत में पेश किया तो मेरी बेटी की यह सीडी पूरे देश में फैला दी जाएगी। बाप होकर शायद मैं खामोश रहता, लेकिन मेरी बहादुर बेटी ने मेरे आंसू पोंछे, मुझे हौसला दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। जज साहब, मेरी बेटी तो एक मासूम बच्ची है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी बेटियों वाले हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन बेटियां हैं आपकी। इस बार हिम्मत से काम लीजिए, इस दफा फैसला दिमाग से नहीं दिल से कीजिए। मैंने दोनों सीडी देखी हैं, मुझे बड़ा अफसोस और शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन आज के वक्त में केवल सीडी के बेस पर कानूनी फैसला नहीं सुनाया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह साबित होता है कि मुख्तियार ने ही अनोखी देवी का खून किया है और दयाल और दीनानाथ इस मर्डर में शामिल नहीं है, इसलिए दयाल और दीनानाथ की जमानत मंजूर की जाती है। मुझे फंसाने का पूरा बंदोबस्त किया था तूने, वो तो जज मेरा दोस्त था, वरना तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दीनानाथ, तेरे लिए अगर मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूं ना, तब भी तू कहेगा कि गर्दन टेढ़ी कटी है। अनोखी देवी के मामले को लेकर तूने जो पार्टी की ऐसी तैसी करवाई है ना, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। अभी भी कह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से मेरा नाम सीएम के नाम के लिए अनाउंस कर दे, सब ठीक कर दूंगा। कोई लालच नहीं है मुझे सीएम बनने का, ना पहले था ना अभी है। जब सब ठीक हो जाए कह देना, रिजाइन कर दूंगा, बन जाना सीएम। अगर मुझे फंसाकर तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करना चाहता है तो भूल जा, मेरे हर गुनाह में शामिल है तू,
अनोखी देवी से लेकर मनोज सिंह की बेटी तक। योर ऑनर, आपको हैरानी हो रही होगी मुझे कटघरे में खड़ा देखकर। मैंने हमेशा कानून और सिस्टम पर भरोसा रखा। जिन दो गुनहगारों को जेल में बंद रहना चाहिए था, जिन्हें सजा देनी चाहिए थी, उन दोनों को आपने जमानत दी, मार दिया मैंने उन दोनों को। जज साहब, मैंने तो सिर्फ दो को मारा है। अगर यह हादसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता, आप शायद 200 को मारते। जो सजा सुनानी है सुना दीजिए, मैं तैयार हूं। यह सच है कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी गलती का कोई प्रायश्चित नहीं होता, सिर्फ सजा तय होती है। इसलिए मैं आज और अभी अपने पद से इस्तीफा देता हूं। आई हियर बाई रिजाइन। मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे।